गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसमें अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है। प्लीज़ आपको कोई डाउट आता है तो आप चाहे कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी रिगार्डिंग तो आपको मैं उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि दूसरी वीडियो में। तो इसमें 14th इलस्ट्रेशन आपके लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में ही दिया हुआ है। इसमें कहता है बेकार लिमिटेड वेंट इनटू वारंटी लिक्विडेशन, डिटेल रिगार्डिंग लिक्विडेशन आर एज फॉलो। इसमें 2008% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, 100 ईच हैं, फुली पेड अप। क्लास ए में 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 ईच, 2075 पेड अप हैं। क्लास बी 1600 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 60 पेड अप हैं। क्लास सी 1400 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 50 पेड अप है। अब इसमें कहता है कि एसेट्स इंक्लूडिंग मशीनरी रिलीज्ड रुपीज़ 5,37,400, लिक्विडेशन एक्सपेंसिस अमाउंटेड टू रुपीज़ 15,000। There is a loan of rupees 50,000 which is secured against machinery which release rupees 80,500. कहते हैं salary of four clerks for 4 months at the rate of 6,250 per month, salary of four PNs for 3 months at the rate of 2,000 per month are outstanding. Other creditors were worth rupees 87,400. देखिए, जो आपको सैलरी दी गई इसमें तो वही रूल आपका अप्लाई होगा 20,000 वाला, जो आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि 20,000 तक आप पे कर सकते हैं और उसके ऊपर वाले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। 20,000 तक के आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में रहते हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके जो असेट हैं वो यहाँ पर वैल्यू आपने बतानी है। कहते हैं असेट इंक्लूडिंग मशीनरी रिलीज रुपीज 5,37,400, ये आपको इसमें अमाउंट बताया है। लेकिन साथ में नीचे क्या कहता है कि आपके 50,000 का जो लोन है वो सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी के अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है, उसकी विच रिलीज 80,500। मीन्स ये 80,500 जो है आपका ये 5,37,400 में इंक्लूड है। तो अब आपने करना जस्ट ये है कि आपने उसमें से इस वैल्यू को हटाकर जो आपके एसेट रिलीज होंगे वो आप यहाँ पर शो करें। उसके बाद आपका जो सरप्लस बचेगा पेमेंट करने के बाद लोन का, या जो भी आपके एसेट का सरप्लस बचेगा उसको आपने अलग से शो करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपके यहाँ आएगा टू असेट रिलीज्ड। अब असेट रिलीज में सेम उस टोटल आपको 5,37,400 में से माइनस करना है 80,500, तो आपकी वैल्यू बचेगी 4,56,900। उसके बाद अगला है यहाँ पर सरप्लस। अब सरप्लस कैसे आएगा, आपकी मशीनरी की वैल्यू थी 80,500, उसमें से लोन की पेमेंट हो चुकी है 50,000, तो बैलेंस कितना बचा आपका 30,500। तो एक तो आपने ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरा यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस दिए, हमें रेमुनरेशन नहीं बोला है, तो यहाँ पर जस्ट आपका आ जाएगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। आपके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं 15,000। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा आपके बनेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बनेंगे वही सेम रूल अप्लाई होगा। आपको पहले यहाँ पर दिए गए थे 4 महीने की टोटल सैलरी से अगर हम बात करें तो 4 months मल्टीप्लाई 6,250 इसकी वैल्यू ये आपकी जो बनेगी, ठीक है। और सेम आपने यही चेक करना है कि कितने मंथ्स की वैल्यू आपकी बनती है। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 20,000 से, तो आपका जो वैल्यू बनेगा यहाँ पर ये 25,000 बन जाएगा। चार महीने का, ठीक है। तो 4 क्लर्क आपके पास दिए गए हैं और इसको सिंपल आपने यहाँ पर रखना है। लेकिन आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 20,000, क्योंकि आपको बोला गया। तो आपकी सैलरी बनेगी यहाँ पे 80,000। उसके बाद जो आपके पीएन की सैलरी यहाँ पर दी है उसमें अगर हम देखें तो आपके मंथ हैं 3 मंथ्स, 3 मंथ्स मल्टीप्लाई 2,000, तो ये तो बन रही है 6,000। तो ये तो मतलब आपका कम है 20,000 से, तो यहाँ पे तो सीधा ही आपने 4 PN आपको दिए ही हैं मल्टीप्लाई 6,000, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 24,000। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। उसके बाद अगला कॉलम आपका बनेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आप कैलकुलेट करेंगे
आपके पास ऊपर जो सिक्योर अदर क्रेडिटर्स दिए हुए हैं वो हैं आपके पास 87,400। अब उसमें प्लस क्या करना है आपने, जो ये 5,000 आपका बचा था, 4 × 5,000, तो 20,000 इसमें आपका एड ऑन हो जाएगा। तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगी वो आएगी 1,07,400। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो वैल्यूज़ आपकी रहेंगी, आपका ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ जाएगा। उसके बाद जो अगला काम आपने करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद, आपके प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर की तो अमाउंट आपकी पूरी आ जाएगी 2 लाख। तो ये काम भी आपका यहाँ पे ख़त्म। अब जो बचेगा, अब वो जाएंगे आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। अब आपने करना क्या है, पहले तो आपने इसका टोटल और इसका टोटल करना है, ठीक है जी। इन दोनों का टोटल करोगे आपकी वैल्यू बनेगी 4,87,400। अब इसमें से आपने माइनस करना है इसको 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 भी इसको भी और इसको भी, इन पांच चारों को अब माइनस करेंगे। माइनस इनकी वैल्यू बनेगी टोटल 4,26,400, माइनस करके वैल्यू बचेगी आपकी 61,000। अब ये 61,000 जो वैल्यू आपकी बची है, अब अगर आप अपने क्रेडिटर्स को देखें तो उनका 2,000 रुपये 75 है, किसी का 60 है, सेम इनकी वैल्यू भी ये अलग अलग है और इनकी पेड अप वैल्यू भी सबकी अलग अलग है। तब आप क्या करेंगे, इनसे पैसा मंगवा लेंगे, इससे 25 रुपये, इससे 40, इससे 50। तो अब जैसे हम बात करें जो 2,000 वाले हैं, उनसे आपने 25 रुपये मंगवाए, 1,600 वालों से आपने 40 रुपये मंगवाए और 1,400 वालों से आपने 50 रुपये मंगवाए। तो टोटल वैल्यू भी बनेगी आपकी 2,45,000 इन सबको ऐड करने के बाद। अब इसको आपने डिवाइड कर लेना है आपके जो टोटल शेयर्स बनेंगे 2,000, 1,600 और 1,400 इन सबको ऐड करके, तो आपका ये 49 रुपीज़ जो हैं आपने रिटर्न करने हैं। अब अगर हम डिवाइड करते हैं, आपकी तीन क्लास दी थी, एक, बी और सी। ए से आपने मंगवाए थे यहाँ पर 25 रुपये, बी से मंगवाए थे आपने 40 रुपये, सी से मंगवाए थे आपने 50 रुपये। इसको वापस करने हैं 49, तो ये आपको 24 रुपये आप इसे वापस करें क्योंकि 25 रुपये इससे लेने थे। बी से आपको चाहिए थे 40, 49 ही आपने उसको 49 वापस करने मंगवाने थे 40, तो आप उसे 9 वापस करेंगे, यह है 49। इससे आपने 50 मंगवाने थे वापस 49, तो इससे 1 रुपये आप मंगवा लेंगे। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसमें आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले में 2,000 × 24, ये पैसा आप इसे वापस कर दीजिए, तो ये आपका 24 से मल्टीप्लाई करके बनेगा 48,000। दूसरे में आपके 1,600 रुपये हैं मल्टीप्लाई आपके 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, वैल्यू बनेंगी आपकी 14,400, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप आएंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, 1,400 आपको दिया हुआ है, इससे 1 रुपया, तो आपकी वैल्यू बनेगी यहाँ पे 14। इसको आप टोटल कर लीजिए, ये टोटल बनेगा 4,88,800, 4,88,800। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर क्वेश्चन भी, और प्लीज़ अपडेट रहें, आप अपने चेक करते रहें और चैनल को प्लीज़। थैंक यू।